स्टॉक फॉर द डे के इस वीडियो में हम आपके साथ तीन ब्रेकआउट स्टॉक शेयर करने वाले हैं। हमारी लिस्ट के अंदर जो थर्ड स्टॉक है वो एक आपको मल्टी बैगर रिटर्न भी दे सकता है लॉन्ग टर्म के अंदर, मीडियम टर्म के अंदर भी आपको इस स्टॉक के अंदर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव टारगेट देखने को मिल जाएंगे। डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। माय नेम इज उत्कर्ष शर्मा, दिस इज मार्केट प्राइम। अगर अभी तक आपने हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं करा है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइएगा। हमारी लिस्ट के अंदर फर्स्ट स्टॉक है आरती इंडस्ट्री। आप इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम के साथ। अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। आप यहां पे देख सकते हैं अगर सर आपने इस स्टॉक के अंदर नीचे के लेवल पे इन्वेस्टमेंट करा है 700 की प्राइस पे 800 की प्राइस पे, अभी आपको इस स्टॉक के अंदर 30% भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। 937 की प्राइस पे इस स्टॉक ने अपसाइड में ब्रेकआउट करा था। अभी इस स्टॉक के अंदर हमें एक रिटेस्ट देखने को मिला काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ। अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक ब्रेकआउट देखने को मिला था। अगर सर आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाय करना चाहते हैं, जैसे ही स्टॉक अपसाइड के अंदर 1045 की प्राइस को ब्रेकआउट कर देगा 1190 के फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे और 1500 के सेकंड टारगेट मीडियम टर्म के अंदर अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस स्टॉक ने डाउन साइड के अंदर 947 की प्राइस को ब्रेकआउट कर दिया ये स्टॉक वीक हो जाएगा। हमारे लिस्ट के अंदर सेकंड स्टॉक है दीपक नाइट्रेट, काफी बेहतरीन स्टॉक है सर। अगर आपने इस स्टॉक के अंदर 1800 1900 2100 की प्राइस पे इन्वेस्टमेंट करा था अभी आपको इस स्टॉक के अंदर 30% भी प्रॉफिट बुक नहीं करना चाहिए। आप यहां पे देख सकते हैं रीटेस्ट अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिला 2300 की प्राइस पे इस स्टॉक ने अपसाइड में ब्रेकआउट करा था। अगर आप इस स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर ये स्टॉक 2610 की प्राइस को अपसाइड के अंदर ब्रेकआउट करता है 2900 के फर्स्ट टारगेट शॉर्ट टर्म के अंदर आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। 3800 के लॉन्ग टर्म के अंदर आपको इस स्टॉक के अंदर सेकंड टारगेट देखने को मिल जाएंगे। 2365 के लेवल को अगर इस स्टॉक ने डाउन साइड के अंदर ब्रेकआउट कर दिया ये स्टॉक वीक हो जाएगा। हमारी लिस्ट के अंदर थर्ड स्टॉक है पटेल इंजीनियरिंग, काफी बेहतरीन स्टॉक है, एक पैनी स्टॉक है। अभी आप इस स्टॉक के अंदर देख सकते हैं इस स्टॉक में भी एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है, काफी स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम भी अभी हमें इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल रहा है और आरएस के अंदर भी अभी हमें इस स्टॉक के अंदर एक अपट्रेंड देखने को मिल रहा है। अगर आप इस स्टॉक के अंदर फ्रेश बाय करना चाहते हैं, अगर इस स्टॉक ने अपसाइड के अंदर 25.70 की प्राइस को अपसाइड में ब्रेकआउट दे दिया 31 के शॉर्ट टर्म के अंदर फर्स्ट टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। मीडियम टर्म के अंदर 45 के सेकंड टारगेट आपको इस स्टॉक के अंदर देखने को मिल जाएंगे। अगर इस स्टॉक ने 17.30 की प्राइस को डाउन साइड के अंदर ब्रेकआउट कर दिया ये स्टॉक वीक हो जाएगा। जो भी हमने आपके साथ शेयर करा इज ओनली फॉर इंफॉर्मेशन एंड एजुकेशन पर्पस। प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर इन्वेस्टिंग। इसी टाइप की डेली वीडियोस देखने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके मार्केट प्राइम फैमिली मेंबर बन जाइएगा।